हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे, मात्राएं, वर्तनी की व्यवस्था। बच्चों, आपने अभी तक भाषा, लिपि, वर्ण का ज्ञान प्राप्त किया है। अब हम वर्णों के साथ प्रयोग होने वाली मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। निम्नलिखित चित्र एवं शब्द देखो, पढ़ो एवं समझो। अमरूद, आम, इमली, सेब, किताब, शेर, घड़ी, चूहा, वृक्ष, हाथी। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों के रंगीन भाग ही स्वरों के चिन्ह अर्थात मात्राएं हैं। सभी व्यंजनों के साथ स्वरों का यही रूप लिखा जाता है। इस प्रकार स्वर एवं व्यंजनों के मिलने से उत्पन्न एवं स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। मात्रा के बिना किसी भी शब्द का लिपिकरण कठिन होता है। जैसे अगर हम वर्तमान अमरूद के बदले अमरूद, चूहा के बदले चौहा लिखते हैं इत्यादि, ये अर्थात ये सही नहीं है, ये गलत है। अमरूद हम ऐसे नहीं रे पर बड़े ऊ की मात्रा लगाकर तब लिखते हैं, अलग से रे बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। मात्रा क्या है? हिंदी व्याकरण में प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह निर्धारित है जिसे मात्रा कहते हैं। जैसे आ, ई, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, इनकी मात्राएं हैं। इन्हें पूरा स्वर न लिखकर सिर्फ इनका चिन्ह लगा दिया जाता है, स्वर तथा उसके लिए निर्धारित चिन्ह। ये स्वर हैं और ये इनके निर्धारित चिन्ह है अर्थात इनकी मात्राएं। वैसे तो प्रत्येक व्यंजन में स्वर ए मिला होता है, परंतु स्वर के अन्य रूपों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने के लिए व्याकरण में स्वरों की सभी मात्राओं का स्थान व्यंजनों में निश्चित है, जो निम्नलिखित है। व्यंजन से पहले ई की मात्रा लगा दी जाती है, जैसे कैसे पहले ई की, यानी छोटी ई की लगा रहे हैं तो वो कैसे पहले लगाई जाएगी, और बड़ी ई की लगा रहे हैं तो वो कह के बाद लगाई जाएगी। व्यंजन के बाद बड़ी ई की मात्रा लगती है, ओ की लगती है, औ की लगती है, और व्यंजन के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगती है और बड़े ऊ की मात्रा लगती है। रे के साथ ऊ को नीचे नहीं लगाते और उसके बीच में लगाते हैं। व्यंजन के ऊपर ए की मात्रा लगती है, जैसे क ए, के, क ऐ, कई। व्यंजन तथा स्वर का संयुक्त रूप। व्यंजन स्वर मूलचिन्ह, व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप, यानी क के साथ ए लगा है तो क बन गया, क आ, का, क ई, की, क ई, की, क ऊ, कु। इसी प्रकार से क ऊ, कु, क रे से ऋषि, क्र, क ए, कई, क ऐ, कई, क ओ, को, क औ, कौ। इस प्रकार से बच्चों आप ये व्यंजन और स्वर लिखना सीखेंगे और इनकी मात्राएं लगाना सीखेंगे और इसे अच्छे से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।